लिंगराज पार्क जाए, उसके बाद हम लोगों को सोच रहे कि द्वारिका की ओर निकलते हैं, द्वारिका मंदिर देखते हैं। पर कितना टाइम मैनेज होता है, ट्राई तो वही करना है कि द्वारिका मंदिर मिले। तो इस ब्लॉग में मिलता है कि नहीं वो आगे आप देखते रहिए। गाइस वेलकम बैक, डे टू में हम लोग कोई ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो जा रहे हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग रहेगा। तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें विजिट करने वाला हूँ, इसमें अभी नहीं बताऊँगा स्टार्टिंग में। इस डे टू इनका तो चला ही चलता है टाइम के बाद, मतलब जैसे मैं सुबह निकला था अभी तो थोड़ा धूप ज़्यादा आ गई है। उसके बाद हम लोग एक कतार में आगे आगे बढ़ रहे थे तो टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो निकालने का, तो मैंने वीडियो अभी तक क्लिक नहीं किया। लेकिन इस दौरान मुझे दो दोस्त ऐसे मिले कि जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल टैलेंटेड है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, फर्स्ट रुमित भाई एंड देन सेकेंड अभिषेक भाई। एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोले जाए तो कैसा लग रहा है, मतलब ये पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस क्या लग रहा है? एक्सपीरियंस बेस्ट है, मज़ा आ रही है कैंपिंग करने की, न्यू एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं ये जो जर्नी कर रहा हूँ ये सेकंड टाइम है, क्योंकि इससे पहले भी दिवाली टाइम पे मैं यहाँ आ चुका था, तो मेरे लिए सेकंड टाइम है। बट बहुत मज़ा आया है, आप समझ सकते हैं कि सेकंड बार आया हूँ तो वो ऐसा ही होगा कि कुछ फर्स्ट टाइम में मज़ा आया होगा, इसलिए बाकी नॉर्मली लोग सेकंड टाइम पे नहीं आते, कुछ दूसरा डेस्टिनेशन लगा जाए कि नहीं अभी यहाँ क्यों जाना, यहाँ तो मैं चला गया था, बट मैं आया हूँ सेकंड टाइम। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट टाइम, इसलिए सेकंड टाइम पे आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि शुभम इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं, नहीं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो कंटेंट है जो एक्चुअल में बिजनेस पे निकालने वाला हूँ, पहले इसमें हिंट दे देता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं एक नया शो निकालने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, कि जिसका शायद ऑलमोस्ट नाम ये होगा शुभम महाजन शो, अभी मैंने नाम डिसाइड नहीं किया, जिसमें अलग अलग पर्सनालिटी को मैं बुलाऊंगा, उनके साथ बातें शेयर करूंगा, उनके टैलेंट उनका स्किल कैसे यूज होता है हम यूथ में, तो उसके बारे में एक कंसेप्ट बनाने वाला हूँ जो आगे जाके मेरा बड़ा एक प्रमोशन होगा इस चीज़ को लेकर, तो यूथ को ज़्यादा अच्छे से हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा उसकी झलक आप सभी को देखने को मिलेगी कि मैं पूछ रहा हूँ इस सब चीज़ को। वॉट अ व्यू, सरप्राइज की बात कर रहा था वो शायद अभी आ चुका है, मैंने बताया नहीं था, लेकिन सस्पेंस रखा हुआ था। तो सस्पेंस ये था कि डॉल्फिन आने वाले, डॉल्फिन दिखेगी हम लोगों को, लेकिन डॉल्फिन सही में दर्शन देखी तो उसको देखने के लिए पहले मैं खुद देख लेता हूँ आ रही कि नहीं, और वीडियो क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी डालूंगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है पीछे की तरफ और हम लोग अभी निकल चुके हैं डॉल्फिन देखने के बाद। हम लोग सोच रहे कि शिवराज पार्क जाए, उसके बाद हम लोगों को सोच रहे कि द्वारिका की ओर निकलते हैं, द्वारिका मंदिर देखते हैं। पर कितना टाइम मैनेज होता है, ट्राई तो वही करना है कि द्वारिका मंदिर मिले। तो इस ब्लॉग में मिलता है कि नहीं वो आगे आप देखते रहिए। नाउ आई एम हियर, बस इसी लिए पहुंचना था, सुबह से यही मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि द्वारकाधीश के दर्शन हो जाए, बस अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, द्वारकाधीश के दर्शन भी हो जाएंगे, बस फटाफट उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ दम से। सभी को पता है कि मैं जो कृष्ण भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे इतना तो पता था कि चार धाम की यात्रा में से एक धाम जो आता है वो होता है द्वारिका, और मैंने जो गूगल पे सर्च किया तब जाके मुझे पता चला कि और भी तीन धाम होते, जो तीनों धाम में से एक धाम यही होता है, चार धाम में से एक धाम है द्वारका। फर्स्ट रहता है बद्रीनाथ, सेकंड वन इज पुरी, एंड लास्ट जो है वो है रामेश्वरम। दिस इज द टेंपल द्वारकाधीश। काफ़ी ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे, मतलब बहुत ही भीड़ चक्का लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग अंदर एक प्रोहिबिट रेड है फ़ोन के लिए, तो फ़ोन अंदर ले जा सकते हो, सिर्फ वॉलेट ले जा सकते हो, तो इसके लिए हम लोगों ने फ़ोन जमा करवाया था एक जगह पे, तो इसकी वजह से मैं
अंदर का कोई भी सीन्स कैच नहीं कर पाया, तो मैंने दर्शन कर लिया और मैंने बाहर टेंपल का भी वीडियो डाल दिया है, तो वहां से आप दर्शन कर सकते हो। पीछे जो सीन देख रहे हो वही है देवभूमि द्वारका का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। तो अभी दीदी का फोन आया तो उसने ऐसा बताया कि मुझे लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण की जो छोटी मूर्ति है उनके लिए कपड़े लाने और एक झूला लेना है, जो लड्डू गोपाल के लिए झूला होता है ना, जिसे श्री राधा ने बनाया था लड्डू गोपाल के लिए एक झूला, और झूले में सजाया था उनको, बस वैसे ही मुझे एक झूला लेना है घर के लिए। तो घर में हम लोग झूले में रखेंगे लड्डू गोपाल को, और उनके लिए भी थोड़े से आभूषण वस्त्र लेने हैं, तो उसके लिए अभी विजिट के लिए निकलते हैं। बहुत ही आराम से और बड़े प्यार के साथ आराध्य के दर्शन हो गए श्री कृष्ण के। तो अभी तो बहुत इच्छा मतलब बहुत जितना एक्साइटमेंट था इस चीज़ के लिए मुझे दर्शन करने, तो वो आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया। मैंने बहुत टाइम पहले मतलब मैं छोटा था तब मैं आया था द्वारिका, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मेरे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। और अभी जो मैं आया था वो ये वाली प्लेस थी जहाँ पे आर्य समाज की वाड़ी है, जहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा खाना भी मिला हम लोगों को। A few moments later, मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं, अभी 7:30 बजे के आसपास हम लोग बस के थ्रू यहाँ पे आए वाइड एंगल। जब रात को निकली थी तकरीबन 9:30 के आसपास कुछ निकली हुई थी बस, उसके बाद हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचे। ये काफ़ी थोड़ा लेट है लेकिन हो गया, हम जहाँ से इन लोगों ने पिकअप किया था बस वहीं उसी जगह पर वापस आ चुके हैं। BRTS के द्वारा सफ़र करें तो BRTS में हमें मणिनगर का बोला गया कि मणिनगर वाली बस जो आएगी उसमें बैठना है, फिर वहाँ से अंजलि से चेंज करना है, तो तकरीबन शायद 3 बजे के आसपास आएगी अंजलि के लिए जाने वाली बस, फिर वहाँ से बैठ के हम लोग सीधा CTM निकलेंगे जशोदा नगर। तो चलो मैं पहुँच गया जशोदा नगर चौकड़ी जहाँ मुझे पहुँचना था। तो चलो गाइस यहीं पे मैं अपना वीडियो रैपअप करता हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी सब्सक्राइब कर देना, और जो रेड कलर का उसको ग्रे करना है, और बेल आइकन को भी टैप करना है जैसे अभी आया ये वाला, हाँ बस ऐसे ही करना है। तो हो गए आपके द्वारका के दर्शन, और कैसा मज़ा आया आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को रैपअप करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ओवर एंड आउट।